हमको ये शो खड़े होकर ही देखना पड़ेगा अभी। पर इससे पहले कि कोई कुछ बोले, मैं सबसे पहले विशाल और शेखर के लिए जोरदार तालियां। व्हाट अ सॉन्ग। और ऑफ कोर्स हमारी संजूति के लिए, जिसने ये गाने को इस तरह से गाया जैसे ये गाना उसी के लिए बना था। फ्लॉलेस, एब्सोल्युटली फ्लॉलेस। गाने के कंपोजर होने के नाते मैं जेन्युइनली नहीं चाह सकता कि इससे बेटर परफॉर्मेंस हो। थैंक यू सर। श्रेया मेरी दोस्त है और दुनिया की सबसे बेहतरीन सिंगर्स में से एक है, लेकिन अगर श्रेया के अलावा किसी को ये गाना गाना होता, आई वुड डेफिनेटली चूज यू एट दिस पॉइंट। वाओ, आप इतना इतना अच्छा गाती है, दिस इज ट्रू। ये वाला गाना मेरा सबसे फेवरेट गाना है आउट ऑफ ऑल माय मूवीज। विशाल ने मतलब मेरे मुंह की बात छीन ली कि अगर ये मैं आपको तब सुनती तो शायद ये मैं आपको चुनती, श्रेया को नहीं ये गाना गाने के लिए। बट आप थी नहीं तभी। एंड श्रेया सबको जाना, फैंटास्टिक जॉब। बहुत साल हो गए हैं कि इंडियन आइडल एक लड़की ने जीता नहीं है। कम ऑन, बिल्कुल फरजी। आई थिंक सीजन 13 अब 13 होना चाहिए संजू जी। दुनिया को बताना चाहता हूँ कि फारा जब कहती है ना, मैं मतलब किसी भी नए सिंगर को कहती है मैं इनको ले लेती मेरी फिल्म में। इस गाने में हमने एक नए लड़के को ट्राई किया था और फारा ने हमें बताया था कि उस दिन जब वो आई थी सुनने, उसने कहा था कि ये कौन है जो गा रहा है। हमने कहा एक लड़का है अरिजीत करके। तो पहला गाना शाहरुख के लिए उन्होंने गाया था एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। अरिजीत सिंह का पहला गाना शाहरुख के लिए एंड फारा वाज जस्ट लाइक, हां इनको ये अच्छा लग रहा है, इनको ले, इनकी वॉइस लॉक कर दो। So that's who she is. I promise you this. Farah ki agli picture mein aapki awaaz try to karenge. Agar wo le 100, that's up to her. Oh, kya baat hai! Aapne mausam badal diya. Farah ji, Farah ji, hi Farah ji. Kya hai?